हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रिंग के दो टाइप यानी कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विथ यूनिटी को पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट रिंग होगा तभी वह रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग होगा। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट रिंग होगा तब ही रिंग विथ यूनिटी एवं कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विथ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग को देखते हैं कि आखिर में कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। A ring is called commutative for multiplication। कोई रिंग R को हम लोग तभी मल्टीप्लिकेटिव रिंग बोलेंगे जब वो मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव होगा। दैट इज अगर A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A होता है फॉर ऑल A भी बिलोंग्स टू R। A B कोई R का दो एलिमेंट है और अगर A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर वो कम्यूटेटिव होता है कोई रिंग, तो उस रिंग को हम लोग कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। और इसका एक जो एग्जांपल है वह है सेट ऑफ इंटीजर। जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वह कम्यूटेटिव रिंग होता है, आई प्लस और डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो हम लोगों ने रिंग का जो पहला टाइप है कम्यूटेटिव रिंग उसको देख लिया। अब जो इसका और एक टाइप हमको आज पढ़ना है आज के इस लेक्चर में रिंग विथ यूनिटी, बस हमको उसी को देखना है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग रिंग के और दो तीन टाइप को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रिंग विथ यूनिटी को। रिंग विथ यूनिटी, आखिर में रिंग विथ यूनिटी क्या होता है कि ए रिंग विथ यूनिटी इज अ रिंग व्हिच कंटेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय वन belongs to R such that A dot 1 equals to A बराबर 1 dot A। यानी अगर सीधा सीधी बोला जाए रिंग विथ यूनिटी, अगर कोई सेट में कोई एक एलिमेंट 1 हो तो वह रिंग विथ यूनिटी होगा, नहीं तो वह रिंग विथ यूनिटी नहीं होगा। यही था हम लोग का दो टाइप का रिंग, और इसकी मदद से हम लोग अब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये चीज एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट रिंग होगा तभी वह रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग होगा। सबसे पहला जो है कम्यूटेटिव रिंग, अगर कोई रिंग R है हम लोग उसको तभी कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे जब वह मल्टीप्लीकेशन के केस में कम्यूटेटिव होगा। और रिंग विथ यूनिटी क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ए रिंग विथ यूनिटी इज ए रिंग व्हिच कंटेंस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
और वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन को हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर कोई रिंग वन को कॉन्टेन करता है, यानी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय वन बिलोंग्स टू आर, अगर वन कोई एलिमेंट हो जो उस रिंग पर हो, तो ए डॉट ए बराबर वन और वन डॉट ए बराबर भी वन ही ए ही, सॉरी ए डॉट वन इक्वल टू ए और वन डॉट ए इक्वल टू ए होगा। और जो इस वन को हम लोग बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी, यानी रिंग विथ यूनिटी होने के लिए उस सेट में हमको देखना है कि उसमें सेट में वन है कि नहीं। ठीक, तो यही था हम लोग का कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विथ यूनिटी। अब हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिंग में आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग रिंग विथ जीरो डिविजर और रिंग विदाउट जीरो डिविजर को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।